हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं कुछ सामान परचेस किए थे फ्लिपकार्ट से, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्या मंगाई हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो देख सकते हैं, वैसे पूरा पैक होके आया है, तो अभी ओपन करते हैं और दिखाते हैं। देख सकते हैं, ये है वो सामान। अभी दिखाती हूँ निकाल कर अच्छे से। देख सकते हैं गाइस, ये है मूक मारने वाला, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मुख मार सकते हैं इससे। तो अभी हम इसको फिक्स करके पूरा दिखाती हूँ दोस्तों आप लोग को। एडजस्ट करने का है, छोटा बड़ा कर सकते हैं इससे, ऐसे घुमाकर आराम से हो जाएगा। पिंक कलर में है और बहुत ही मतलब इजी हो जाता है इससे पोछा लगाना, क्योंकि हर लेडीज को पोछा लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, बैक पेन रहते हैं सबको, मतलब अंदर अंदर तक ऐसे सोफा वगैरह के बेड के नीचे तक हाथ नहीं पहुंच पाता है ना, तो इससे बहुत इजी तरीके से पोछा लग जाएगा दोस्तों। तो हमको भी बहुत दिक्कत हो रहा था, तो ऐसे हाउस एक पर आती है, बीच बीच में नहीं आती है, तो खुद ही करना पड़ता है। तो बाबू का पापा बोले क्यों ना ये मंगा दिया जाए, तो इससे आसान हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, जब मैं इसे पोछा लगाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी दोस्तों। बहुत अच्छा लगा, अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग भी मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ, बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं। आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी ये सुबह का टाइम है दोस्तों, तो अभी देखिए मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ पूरा घर में, पूरा कचरा बहुत मतलब हो रखा था अंदर अंदर सोफ़ा के अंदर तक, ऐसे डेली नहीं लगाना होता है, तो आज फाइनली बहुत अच्छे से लगा ले रही हूँ पोछा। देख सकते हैं कितना कचरा निकला है। तो दोस्तों सुबह सुबह घर का मतलब झाड़ू लग जाता है ना, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए घर फ्रेश रहता है तो मूड बहुत अच्छा लगता है, घर फैला फैला रहे तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो देखिए मैं पूरा अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ अंदर से बाहर तक पूरा अच्छे से, और देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया ना हमारा बाहर का एरिया भी, और धूप बहुत हो रखा है दोस्तों हमारा। देखिए फ्लावर्स का पेड़ भी बहुत अच्छे दिख रहे थे, तो देखिए। तो अभी जा रही मैं पोछा लगाने दोस्तों, और ये पायदान है उसको भी वॉश करना है। और जब से ये मूक मारने वाला मंगाई हूँ दोस्तों, एकदम मन कर रहा है कब से घर है जो जल्दी से क्लीन कर लूँ, तो फटाफट लगा लेती हूँ पोछा। और गाइस, इससे पोछा लगाने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब
कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे पोछा लगाने में, और बहुत जल्दी लग जाता है इससे पोछा। तो देख सकते हैं दोस्तों, पूरा मतलब सोफ़ा के अंदर अंदर जहां हाथ नहीं घुस सकता वहां तक मतलब अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल लगा हमको, ताकि मतलब बैठ के पोछा नहीं लगाना पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा है। और घर पूरा क्लीन हो गया था इससे, बहुत अच्छा लगा हमको। तो अगर आप लोग को भी चाहिए तो मंगवा सकते हैं गाइस। तो देखिए तो अभी आ गई हूँ मैं पैर पोछने वाला धोने के लिए। सरफ का पानी में फूलने दे दिए थे दोस्तों, तो फूलने दे देने से बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। तो देखिए ब्रश मार मार के मैं बहुत अच्छे से धोई हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था, तो फाइनली आज धुल गया हमारा। तो इसी बीच बाबू का ट्यूशन का टाइम हो गया था दोस्तों हमको काम करते करते ही। तो देखिए अभी ट्यूशन पहुँचा देते हैं श्रीजल को। और इसी बीच प्लेन जा रहा था, ऊपर से आवाज़ आया दोस्तों, तो श्रीजल एकदम भागे भागे से गई है देखने के लिए कि मेरा छोटा मामू आ रहे हैं, क्योंकि मेरा छोटा वाला भैया है ना, प्लेन से कहीं भी आना जाना होता है उनका, तो इसको पता रहता है कि जब भी प्लेन गया यहाँ से तो मेरा मामू ही गए हैं प्लेन से। तो फट करके जाती है देखने के लिए। कोई नहीं, बाबू मतलब बच्चा है ना, तो जो मन में होता है वो सोचती है, जो करती है। तो देखिए अभी एकदम भागे भागे से जा रही है दौड़ दौड़ के ट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे दोस्त लोग मिलेगी ना तो मज़ा आएगा, इसीलिए चली गई एकदम आराम से। तो श्रीजल को ट्यूशन पहुँचा कर आई, उसके बाद नहा धोकर दोस्तों अभी लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो देखिए पहले मैं सब्जी काट लेती हूँ। तो बाबू का पापा ना फ्रेश वाला एकदम ये जो भोल होता है ना, भोल बोलते हैं या तोड़ी बोलते हैं, बहुत बहुत नाम से जाना जाता है ये सब्जी, तो हर स्टेट में अलग अलग नाम से इसे जानते हैं हर शहर में। तो अभी मैं सब्जी को जो है मैं अच्छे से छील के और काट लेती हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। तो अभी मैं काट ली हूँ और वॉश करने के लिए, यहीं बाहर नल लगा हुआ है, टब भी है, तो यहीं पे सुविधा होता है हमको, तो यहीं पे धो लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं अच्छे से इसको धो लेती हूँ, और ये जो पानी है इतना पानी दिख रहा है ना ठंडा ठंडा, इसको देखकर भी गर्मी में नहाने का मन करता है दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छे से सब्जी को वॉश कर लिया ना, तो अभी धो लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद में देखिए काटने के लिए बैठ गई हूँ। तो इसको ना ऐसे लंबे लंबे शेप में काट लेंगे, जैसे भी काटिए तो गल के चटनी जैसा बन जाता है दोस्तों। तो देखिए मैं अभी काट ले रही हूँ फटाफट से, फिर खाना बनाए, खाना वाना खाकर सो गए थे हम लोग दोस्तों। तो उठे हैं शाम को, तो गुड इवनिंग दोस्तों, हम लोग अभी उठे हैं, 5:30 बज गया है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, मेहमान मतलब क्या, भैया हैं और भाभी हैं, बच्चे लोग सब मतलब ये हमारे पास ही रहते थे नज़दीक में ही, तो अभी कुछ दिन पहले से थोड़ा सा दूर क्वार्टर मिल गया है, तो उधर चले गए उन लोग। तो बहुत दिन से मिलना नहीं हुआ था, तो मैं बुलाई थी उनको, तो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बच्चे का पढ़ाई भी होता है, स्कूल चालू है ना, तो मुश्किल है आना। तो बहुत ही टाइम निकाल कर आए हैं पूरे फैमिली, और बहुत खुशी हुआ हमको और बहुत ही अच्छा लगा सारे लोग आए। तो देखिए हम लोग बैठ कर आराम से जो चाय है और नाश्ता हम लोग का हो रहा है, बातें भी काफ़ी हो रही है हम लोग के बीच, क्योंकि मिलना होता है एक साथ तो पूरा बातें होती है। तो देखिए सभी बच्चे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ खा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था सब, मतलब लगता है ना कि पूरा फैमिली हम लोग एक साथ ऐसे बैठ के खाने से बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ऐसे तो हम चार लोग ही हैं घर में, तो क्या मतलब उतना मन नहीं लगता है, कोई घर में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब सारे जो भी कुछ रहता है ना टेंशन भी सब भूल जाते हैं। तो देखिए तो ऐसे सभी लोग बैठ के खाए, हम लोग नाश्ता किए, चाय बिस्कुट और भी कुछ बनाई थी, सब मिलके खाए, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ऐसे ही कभी हम लोग भी चले जाते हैं भाभी के पास या फिर उन लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अभी छुटकू बाबू जो है वो मेरे पास आ गई है, इतना देर तो पापा के पास बैठी थी आराम से, लेकिन मैं जैसे ही सामने आई हूँ कि मेरे पास आ गई है। तो देखिए अभी मैं भी चाय पी लूँगी सब लोग के साथ,
तो बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग सब साथ में देखिए खा पी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में, देखिए। तो दोस्तों हम लोग का नाश्ता हो गया शाम का, उसके बाद हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो देख सकते हैं भाभी हैं, छुटकू बाबू है और सभी लोग आए हैं बाज़ार। थोड़ा कुछ कुछ सामान लेना था, बच्चे लोग को कुछ भी लेना था स्टेशनरी का सामान, तो यहीं आए हम लोग। तो देखिए, तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।